Hey, what's up, guys? I'm back with a new video. Today, we're talking about Yes Bank. So, today, we can see here. Today, there is also a girawat in the stock. But it's not a girawat. We can say consolidation. So, this will be quite okay because it's not a girawat. Consolidation is looking at here. We can see it on the chart of 30 minutes. So, here, clearly, we can see that this is a consolidation. But it's a bearish consolidation. और यहाँ पर जो कि काफ़ी बुरी बात है, अगर हम देखें कल के क्लोजिंग के ऊपर ही है स्टॉक, तो थोड़ा ऊपर है, बट फिर भी ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है. ये अभी भी पैटर्न में चल रहा है, अभी भी नेगेटिव है. ये क्लियर कंसोलिडेशन है बेरिश में, जो कि काफ़ी बुरी बात है. अगर हम देखें तो शायद ये फर्दर कंसोलिडेट हो सकता है, या तो यहाँ पर और नीचे जा सकता है. यहाँ पर येस बैंक की बोर्ड मीटिंग वॉज क्वाइट गुड, मतलब बुरी नहीं थी, ठीक ठाक थी, बट फिर भी यहाँ पर गिरावट है स्टॉक में, जो कि काफ़ी बुरी बात है. जो दो तीन चीज़ दर्शाता है कि यहाँ पर आगे बैंक में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं. अगर बैंक रिकन्स्ट्रक्ट हुआ तो ही यहाँ पर ऊपर उछाल आएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात आई, इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर उछाल देखने को मिला. उसके बाद अभी भी फेज टू इन्वेस्टमेंट की बात आई तो भी यहाँ पर प्रॉपरली एक्सेप्ट हुआ, बोर्ड से अप्रूवल हुआ, अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है. बट फिर भी यहाँ पर अभी भी गिरावट है, जो कि काफ़ी बुरी बात है और ऐसा होना तो नहीं चाहिए था. बट फिर भी आगे की बात करते हैं. यहाँ पर अगर हम टेक्निकल देखें, ये अभी भी बेरिश जोन में, अगर हम उसे वन डे के चार्ट पर देखें तो अभी भी बेरिश जोन में. इसने इसे आज एस्केप करने की ट्राई की, कोशिश की, हम देख सकते हैं यहाँ पर एस्केप करने की कोशिश की, बट फिर भी एस्केप करना इतना आसान नहीं है. ना ही इसको एस्केप करना आसान था, ना ही इसको एस्केप करना आसान था. आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर जूझा, फिर ये जाके नीचे आया. यहाँ पर भी कितना मतलब ऊपर ऊपर तो बिल्कुल नहीं गया इस टाइम पीरियड में, उसके बाद जाके ऊपर गया, बाद में वापस यहाँ पर नीचे आया. तो आप देख सकते हैं इन रेजिस्टेंस को तोड़ना काफ़ कितना मुश्किल होता है, और जब भी इसको ये तोड़ते हैं तब ये सपोर्ट बन जाता है. तो काफ़ी मुश्किल है इनके ऊपर जाना, इसके नीचे आना. तो जब तक ये इसके नीचे है, ये बेरिश जोन में रहेगा, और फर्दर और गिरने के चांसेस है. 20 रुपये भी आने वाले दिनों में टच कर सकता है. अगर यहाँ पर आने वाले दिनों में शायद हमें देखने को मिल सकता है कि अगर यूएसए में तो देखें तो कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुके हैं. मैं बोर्ड मीटिंग के न्यूज़ के ऊपर आऊँगा, बट कम्प्लीटली यहाँ पर बताऊँगा. तो यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग उसके बारे में आए. तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर राणा कपूर को यहाँ पर बेल मिल गई है, जो कि येस बैंक के प्रमोटर थे. और हमारे पहले राणा कपूर के बारे में क्या ही बोलूँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो चुकी है यहाँ पर. तो उन्हें फिलहाल अभी बेल मिल चुकी है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर. और एक चीज़ सामने आई है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ. ये कल का है, ये 26 मार्च 2020 का है. यहाँ पर आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग इंफॉर्मेशन अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस. तो यहाँ पर येस बैंक का लेटर आया है बीएससी को. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बीएससी लिमिटेड को ये लेटर गया है, और ये बोर्ड मीटिंग के आउटकम के बारे में. तो सबसे पहले ये प्रॉपर लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, तो इसको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले ये पढ़ेंगे, इंडस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर लेटर डेटेड मार्च 23, 2020, वेयर वी हैड इंटीमेटेड दैट द बोर्ड मीटिंग. ये तो हो चुका है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, सब मेन चीज पॉइंट पे आते हैं. रिजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड एंड द शेयर होल्डर्स ऑफ द बैंक ऑन January 10, 2020 एंड बोर्ड February 7, 2020 रिस्पेक्टिवली, विच अप्रूव्ड एन इंश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटीज दैट कुड गिव यूज टू एन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग अप टू ₹10,000 करोड़ इन वन और मोर ट्रांजेक्शंस थ्रू अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. तो QIP के थ्रू यहाँ पर 10,000 करोड़ इन्फ्यूज किए जाएंगे. पब्लिक इशू, ग्लोबल डिपॉजिट रिसीव, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीव, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड एनी अदर परमिसेबल मोड. तो हर चीज, नॉट ओनली शेयर्स, बट हर पॉसिबल चीज से यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ सेलिंग देयर प्रॉपर्टी और
ऑब्वियसली फिक्स्ड सिक्योरिटीज वो छोड़ के यहाँ पर सारी यहाँ पर ऑलमोस्ट यूज करके फंड रेज किए जाएंगे. At the outset, it is clarified that any insurance of securities pursuant to today's resolution mentioned in point 3 below may be undertaken either as a part of a separately formed any insurance or securities that was previously approved by the board and the shareholders of the bank. On January 10, 2020 and February 7, 2020, respectively, subject to such insurance of securities not exceeding an aggregate amount of rupees 15,000 crore. In this collection, the board and its meeting today has approved, subject to receipt of requisite approval, raising of fund in addition to 10,000 crore mentioned in first point, amount aggregating up to 5,000 crore rupees in one more tranches on such terms and conditions as it may deem fit by way of issuance of securities, including but not limited to through a qualified institutional placement, public issue, etc., etc., etc. It is clarified that no shareholder's approval has been sought, nor is such approval required in the event that insurance of securities is undertaken by the way of rights issues. Meeting commenced 10 a.m. concluded at 7 p.m. इतना लंबा वाह. तो वेल यहाँ पर इन शॉर्ट में आपको बताऊँ तो यहाँ पर ये बताइए येस बैंक बोर्ड अप्रूव्स फंड रेजिंग अप टू रुपीज 5,000 करोड़. तो यहाँ पर येस बैंक के बोर्ड ने 5,000 करोड़ तक की फंड रेजिंग अप्रूव की गई है जो कि काफी अच्छी बात है. येस बैंक ऑन मार्च 26 सेड इट्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड a proposal to raise up to 5,000 crore in private lender informed that exchange that it will raise the additional amount through shares, ADRs, GDRs or convertible bonds, American distribution receipts isko bolte bond, and it will be done in one or more tranches. Yes Bank has earlier raised rupees 10,000 crore from SBI and other banks and financial institutions, jo aapko pata hai, through sales and equity under its reconstruction plan approved by the government and the Reserve Bank of India. So total 15,000 crore yaha par Yes Bank ne raise kiye, 10,000 yaha par SBI wagar se raise kiye aur abhi baki ke 5,000 ye baki QIP se raise karegi. The bank resumed normal operation on March 18 after a memorandum imposed by RBI was lifted. The bank also said that pursuant to the Yes Bank Reconstruction Scheme 2020, the officer of the administration of bank, Prashant Kumar, stands vacant. Kumar, former SBI CFO, assumed charge as bank's RBI's appointed administration on March 5 as soon as the board was suspended. The new bank, Yes Bank board, comprises Kumar, Sunil Mehta and non-executive chairman Mahesh Krishnamurthy as non-executive director. Ye sab directors ke naam hai, iske baare mein aap aage baat karenge. But the main point is ki yahan par Yes Bank ne 5,000 crore ki yahan par funding approve ki gayi hai, jo ki kafi achhi baat hai. Aur agar dekha jaye future mein agar ye funding to aa gayi, but abhi Yes Bank ke upar hai ki proper functioning kaisa hota hai. आगे की अगर यस बैंक की स्टॉक की बात करें, आगे होल्ड करना है, बाय करना है, सेल करना है, तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए एक ही बात करना है कि यहाँ पर यूएस में कोरोना वायरस की केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया में अगर 21 दिनों में अगर ये इश्यू सॉल्व नहीं हुआ, केसेस कम नहीं हुए, हम फेस से गिर के नीचे नहीं आए, तो यहाँ पर आगे फर्दर 1 मंथ का लॉकडाउन लेना पड़ेगा, जिससे होगा क्या, सारे बिजनेस पे अफेक्ट होगा, शायद फंड रेजिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है और स्टॉक्स और गिर सकते हैं, निफ्टी और गिर सकता है, निफ्टी हमें 7,000 के नीचे देखने को मिल सकता है अगर ऐसा होता है तो, वो भी एक वो अगर ये वापस एक दो महीने का लॉकडाउन आ जाएगा तो वापस निफ्टी 2-3 दिन में 7,000 के नीचे गिर जाएगा. तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए यही हमें लगता है, तो आप अपने घर में रहो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर बढ़ गया ना तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 7,000 के नीचे जाने की यहाँ पर पूरी पूरी तरह से संभावना है. ये निफ्टी ऑब्वियसली 7,000 के नीचे आराम से जाएगा, डो जोन्स भी गिर जाएगा और जिसके बाद यहाँ पर फर्दर
लॉन्ग टर्म में रिकवरी होने में काफी ज्यादा टाइम आ सकता है और रिसेशन यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम तक रहने की गुंजाइश बन सकती है, काफी ज्यादा टाइम तक रिसेशन बनने की गुंजाइश रह सकती है। तो आप नहीं चाहते कि रिसेशन हो तो अपने घर में रहो, ये आप खुद कर सकते हो। तो that's for today. If this video helped you, don't forget to press the like button for amazing videos and subscribe to my channel. It's a host of Buzzer and I'll see you in my next one. Drop the bomb.